तू ते मेरे तो मां हुंदा हाकी खो लिया। तेरी जिंदगी विच मेरी कोई वैल्यू है भी कि नहीं? मैं तुहानू हुणी हुणी दस्या ना कि जो कुछ भी होया ते मेरी गलती सी। उस टाइम सिचुएशन ही ऐसा थी कि मैंने ये डिसीजन लेना पड़ा। जे तुसी ओही गल्ला बार बार रिपीट करनी है या अंडरस्टैंड नहीं करना, सो आई वॉन्ट से एनीथिंग फर्दर। डॉक्टर निशान, जब तुसी मेरी मांग विच सिंदूर भरिया तो मैं इस ब्याह नूं मां काली दी मर्जी समझ के अपना लिया, पर तुहाडा हाथ फड़ के मैं इत्थे तक उदो आई जब मेरी मां ने इस ब्याह नूं स्वीकार किया ते सानू आशीर्वाद दिता। हुण इस घर विच तुहाडी मां दे आशीर्वाद तो बिना मैं किस हक नाल अंदर जावां? शिविका, तेरी मॉम ने इस ब्याह नूं इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि वो जानते सी कि उन्हां दी धी दी खुशी किस च है, और जरूरी नहीं कि हर माँ इक्को जिही हो। हर माँ इक्को जिही हो। स्नेहा, काव्या, शिविका नूं मेरे रूम च लेके जाओ। गगन जी। शिविका पुत्र, तू मां काली दे आशीर्वाद नाल इस घर विच प्रवेश किया है, अग्गे की होना है ए भी मां काली ते ही छड़ दे। चल पुत्र, हुण जाके उपर कमरे विच आराम कर ले। काव्या, स्नेहा, जाओ अपनी भाभी नूं उपर कमरे च लेके जाओ। अनु, मैं मानती हाँ कि इस ब्याह नूं स्वीकार करना तेरे लिए इन्ना सौखा नहीं है, पर जिन्हां हालातों विच ये ब्याह होया ना वह तो ईशान के भी वस विच नहीं सन। फिर तू ये क्यों भुलदी है कि साड़ी मर्जी नाल इत्थे कुछ भी नहीं हुंदा? जो कुछ भी हुंदा है ना वो माँ काली की मर्जी नाल हुंदा है। सो तू इस ब्याह नूं भी माँ काली की मर्जी समझ के स्वीकार कर ते अगे वध। चलो बीजी। जिस कुड़ी दे इस घर च पैर रखते आई मां पुत्र च इन्नी वड्डी दरार पै गई, ईशान ने थोड़े नाल जबान लड़ाई, सोचो वह कुड़ी अगे की करेगी। ईशान तो रब नूं नहीं मनदा, इस करके वह अपने उत्ते आने वाली मुसीबत नूं नहीं देख पा रहा है। पर मैं इस कुड़ी दे रूप विच उसके सिर ते मंडराते हुए इस खतरे नूं साफ साफ देख पा रही हाँ। बाकी बच्चे तो मापियों तो नाराज़ होंगे ही नहीं ना, पर मापियों का भी फर्ज होंगे कि बच्चों नूं हर मुसीबत तो बाहर कढ़ना, और मैनूं उम्मीद है कि तुसी आही करन दी कोशिश करोगे। डाउनलोड करो Z5 ऐप ते वेखो अपने पसंदीदा शोज दे सारे एपिसोड किते भी कदे भी बिल्कुल मुफ्त।